कहते हैं जी कि फिरौन की लाश को मिस्र में इबरत के लिए देखने जा सकते हैं, क्या जरूरत है देखने की, पत्थर में बदल चुकी है, कोई पहाड़ देख लो, पत्थर देख लो, ज़रूरी फिरौन के पास जाना है, कोई अच्छे शरीफ आदमी था वो, तुम उसकी ज़ियारत करने जाओगे। हर वो काम जो उल्टा हो मुसलमान वही करता है। मेरे पैसे गुम हो गए हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह पढ़ते रहें और तलाश भी करते रहें। हमारे मामू ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, कोई ज़मीन तुम्हें दे दी बाकी नहीं दे रहा, इंशाअल्लाह क़यामत में देगा, मैं फिक्र ना करो, दुनिया में नहीं देगा ना तो न दे, क़यामत में तो देगा, तो मेरे वहाँ ज़्यादा बेहतर काम आएगी। बहरहाल ऐसे ज़ालिमों से अपना हक वसूल करने के लिए दो रकात नमाज रोज़ पढ़ के और हसबुनल्लाह निमल वकील पढ़ा कर। हमारे यहाँ जो रिवाज है बच्चे हिल हिल के कुरान पढ़ते हैं, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कसर नमाज के अंदर फजर की दो सुन्नतें न छोड़ा करें, चूँकि ये हजूर को बड़ी महबूब है। कसर नमाज में मगरिब की कितनी रकात, तीन है, डेढ़ तो हो नहीं सकती ना, आप उसको भी तकसीम करना चाहते हैं। एक इमाम ने सफर में मगरिब की जमात कराई और दो रकातों के बाद सलाम फेर दिया, हम भी सफर में थे, हमने तीसरी रकात भी पढ़ी, फिर हमने बाद में तीन फर्ज दोबारा, अच्छा किया दोबारा पढ़े। ये तो हो नहीं सकता कि वो, या तो इमाम नहीं था वो जाहिल था, उसने समझा कि सफर है तो लिहाजा मगरिब भी दो रकात हो जाएगी, मगरिब तो तीन रकात ही रहेगी।